नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु कैथल है। आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए अल्कोहल पार्ट फोर्थ। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल पार्ट 1, 2 और 3 पहले से हम अपलोड कर चुके हैं, आपके लिए अब हम लाए हैं अल्कोहल पार्ट 4। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो अल्कोहल पार्ट 4। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दोज अल्कोहल इन विच टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट इज कॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। वो अल्कोहल ग्रुप जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं ना, उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल आपके सामने है 1, 2 और 3, ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें दोनों में देखो इसमें 2 OH हैं, इसमें भी 2 OH हैं, इसमें भी 2 OH हैं, तो ये हो गए डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे नेमिंग की बात करते हैं, इथेन 1,2-diol, या फिर इसे बोलते हैं 1,2-glycol, इसे बोलते हैं 1,3-glycol, प्रोपेन 1,3-diol, और इस एग्जाम्पल को बोलते हैं 1,4-glycol गामा ग्लाइकॉल। IUPAC नेम होगा इसका ब्यूटेन 1,4-diol। नोट नंबर 1, डाइहाइड्रिक अल्कोहल आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकॉल। मैंने आपको बताया था कि ऊपर नेम्स, तो जैसे अल्फा ग्लाइकॉल था, बीटा ग्लाइकॉल था, गामा ग्लाइकॉल था, तो ये ही नोट कह रहा है कि दो जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं ना, उसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिर हम हाइड्रोलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जब हम हाइड्रोलेशन करते हैं ना, तो वो हमें ना अल्कोहल्स देते हैं। तो कैसे देते हैं, चलो बात करते हैं। जैसे ये एल्कीन ली, एल्कीन होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये एल्कीन है, इसको हमने KMnO4/KOH या फिर बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया। तो बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, बेयर्स रिएजेंट होता है 1% ऑफ एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 होता है ना, उसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट जो होता है उसका 1%। तो जैसे ही इसके साथ बेयर्स रिएजेंट या फिर ये KMnO4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये एस्टर बना लेगा, फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके हमें अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल ये बना है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें क्योंकि दो OH ग्रुप हैं, तो ये है सिस। सिस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दोनों OH ग्रुप एक साइड में है, तो ये हो गया सिस 1,2-diol, सिस 1,2-diol। सिमिलरली अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो हमने इसमें एल्कीन लिया हुआ है, इसको SOS O4 से ट्रीट किया, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो इसने ना ऑस्मियम एस्टर बना लिया। यहाँ पे भी जैसे बना था वैसे इसमें ऑस्मियम एस्टर बना। ये एस्टर को जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ ट्रीटमेंट। जैसे हमने इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, तो इस पर OH जुड़ गया, तो वो OH के दो ग्रुप्स बन गए, ये हो गया, ये हो गया। अभी तक हमने देखा कि ना हमने ना दोनों ना सिस बनाए थे, सिस डाइओल बनाए हुए थे, तो अब हम बनाते हैं ट्रांस डाइओल। तो हमने एल्कीन लिया, इसमें पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ये फॉर्मूला होता है पर बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOOH लगाता है, ये इसे बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना जाएगा, इसे बोलते हैं 1,2-epoxide। epoxide एक अलग चैप्टर होता है, वो हम आगे देखेंगे, इसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ना, तो ये है ना हमें अल्कोहल दे देगा, वो भी कौन सा देगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल देगा, क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप है, और इधर एक OH है और एक OH इधर है, तो ये होता है ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांस 1,2-diol। पहला मेथड हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, सेकंड मेथड है फ्रॉम डाइब्रोमो एल्केन। डाइब्रोमो ग्रुप का मतलब होता है जब है ना एल्केन पे दो ब्रोमो लगे रहते हैं ना, तो उसे बोलते हैं डाइब्रोमो एल्केन। देखो केमिस्ट्री में जो लिखा होता है ना, उसका मतलब वो ही होता है। डाई का मतलब होता है दो, ब्रोमो का मतलब होता है दो ब्रोमो ग्रुप होंगे, और एल्केन मतलब एल्केन ग्रुप पे दो ब्रोमो ग्रुप लगे होंगे, ब्रोमो BR को बोलते हैं, तो डाइब्रोमो ही हो गया। डाइब्रोमो को जब हम NaOH के साथ जो एक्वस होता है उसके साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल दे देगा। नेक्स्ट नंबर 3 मेथड है फ्रॉम क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मूला ये होता है, इस पर क्लोरो ग्रुप होगा, OH ग्रुप भी होगा, तो इसे बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नेम है 2-chloroethane-1-ol। 2-chloroethane-1-ol को जब हम एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल देगा। जब हम 2-chloroethane-ol को एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल दे देगा। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं ना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, वो केमिकल रिएक्शंस क्या क्या देते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम एक मेटल होता है, तो मेटल के साथ वो रिएक्शंस कैसे देते हैं। तो ये हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, वही कॉमन वाला लिया हुआ है, इथेन 1,2-diol को लिया हुआ। जब हम इनको सोडियम Na के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 323 केल्विन पर रिएक्शन होती है, तो पहले रिएक्शन में तो ना एक है ना
एच हट के वहाँ पे एन ए लग जाएगा, तो इस ये ऐसा ग्रुप बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, इसका नाम होता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। फिर फर्दर हम इसको ना एन ए के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, और ये टेम्परेचर पहले था 323 केल्विन, अब उससे बढ़ के ये रिएक्शन हो रही है 433 केल्विन पे। जब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो इसका सेकंड वाला भी एच हट जाएगा और वहाँ पे एन ए जुड़ जाएगा, इसका नाम होता है डाइसोडियम ग्लाइकोलेट, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCl, HCl के साथ अपना डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, तो ये अपना डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया हुआ है, जब इसको हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं एट 433 केल्विन टेम्परेचर में, तो पहले इसका एक OH हट जाता है और वहाँ पे Cl जुड़ जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे Cl जुड़ गया और यहाँ पे OH और ये H रिएक्शन करके निकल गए। फर्दर हम वापस इसको हीट करते हैं HCl के साथ, तो एट 533 केल्विन पे ये वाला भी OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, तो ये HCl के साथ रिएक्शन देता है और ये कंपाउंड बना लेता है। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद HI, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल को जब भी HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2 मोल HI लेते हैं, सीधा रिएक्शन हो जाती है और ये IIOH को रिप्लेस कर देते हैं, पर यहाँ पे फर्दर ये रिएक्शन टेक प्लेस हो जाती है और यहाँ पे I2 निकल जाता है और एल्कीन बना लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से हमने बना ली एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन विद PCl3 और PBr3, तो इसमें रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन हो रही है, ये हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिया हुआ है, इसमें हमने PCl3 के साथ जब से ही रिएक्शन कराई तो PCl3 से यहाँ पे Cl से रिएक्शन हुई और ये OH यहाँ से रिप्लेस हो गए ClCl। सिमिलरली PBr3 से भी रिएक्शन सेम होगी, PBr3 में यहाँ पे BrBr जुड़ जाएगा और ये मॉलिक्यूल कंपाउंड बना लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PI3, PI3 के साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसको PI3 के साथ रिएक्शन कराया तो पहले वाली रिएक्शन की तरह ही HI के साथ जैसे रिएक्शन हुई थी, इसमें भी CH2II यहाँ पे II आ गया और फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस की और यहाँ पे भी एल्कीन बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल की कराते हैं, तो ये हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन होता है RC(OOH), C(OOH) को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसके साथ ये इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे ही रिएक्शन हुई यहाँ से H और यहाँ से OH हटके ये ग्रुप यहाँ जुड़ गया O के साथ, यहाँ से H हटा और यहाँ से OH हटा, येलो बॉन्ड यहाँ जुड़ गया O के साथ, तो इसने ऐसा मॉलिक्यूल बना लिया, इसको बोलते हैं मोनो एस्टर। इसके सेकंड मोल के जब इसके सेकंड वाले के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये ऐसा बना लेगा ये वाला, सिमिलरली वही प्रोसेस हुई, यहाँ से OH हट गया और यहाँ से H हट गया, ये बॉन्ड यहाँ पे O के साथ जुड़ गया तो ये ऐसा बन गया, इसको बोलते हैं डाई एस्टर। तो यहाँ पे हमने जब है ना डाइहाइड्रिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो उसने बनाया डाई एस्टर, बीच में बना था क्या बना था मोनो एस्टर, क्योंकि इसमें एक एस्टर ग्रुप क्या होता है R-OC(OR), तो ये होता है एस्टर ग्रुप, तो यहाँ पे 2 बार एस्टर लगा हुआ है तो ये हो गया डाई एस्टर और ये था मोनो एस्टर। सेवेंथ नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या होता है जब है ना डाइहाइड्रिक एल्कोहल को जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया और हमने इनके साथ रिएक्शन कराई, तो जैसे ही डाइहाइड्रिक एल्कोहल की इनके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से H और यहाँ से OH का हटते यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाता है, तो ये होता है ग्लाइकोल नाइट्रेट बना लेता है। फिर फर्दर रिएक्शन होती है क्योंकि पहले इस वाले OH के साथ रिएक्शन होती है, फिर इस वाले OH के साथ रिएक्शन होगी तो दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा दोनों में, तो ये बना दिया ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। एट नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाइहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन, तो देखो ये है ना एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें हमने क्या लिया इथाइलिन ग्लाइकोल का है ना N मोल लिए, N ये इथाइलिन ग्लाइकोल है तो N इतना डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया, तो इसके साथ N पर थैलिक एसिड का रिएक्शन होगी, थैलिक एसिड है N मोल ही लिए जाएंगे, तो इससे क्या हुआ N मोल H2O निकल जाएगा और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हमने 12th क्लास में पढ़ते ही हैं पॉलीमर्स, एक वैलेंस यहाँ फ्री हो जाएगी, एक इसकी फ्री हुई, इसकी इसके साथ जुड़ गई, इधर वाली फ्री हो गई, तो इसका N मोल्स ने ऐसी ऐसी एक लंबी चेन बना ली, तो इसने टैलिन या फिर डेक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है तो इसने ये बना लिया। नाइन्थ नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड वो ग्रुप होते हैं जिसमें C(OO) होता है, तो हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल को लिया, इसको जब है ना कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पे 2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक तो हमने लिया एल्डिहाइड और दूसरा लिया हमने कीटोन, तो पहले हम देख लेते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल को, जैसे ही हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ से
ओ और यहाँ से एच 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 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ओ, जैसे ही एलिमिनेट हुए तो माइनस एच टू ओ हो गया और यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन कराया, जैसे ही डाइहाइड्रिक एल्कोहल ने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो उसने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और यहाँ से साइक्लिक एसिटल बना लिया। और सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कीटोन के साथ भी रिएक्शन दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, उसके जैसे ही हमने रिएक्शन कराई कीटोन के साथ तो यहाँ पे सिमिलर वही प्रोसेस हुआ, यहाँ से एच एच निकला, यहाँ से ओ निकला, यहाँ पे माइनस एच टू ओ हुआ और यहाँ पे साइक्लिक कीटल बना लिया। साइक्लिक कीटल बना लिया, ये रिएक्शन देता है, मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल ये रिएक्शन देता है एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ। नेक्स्ट 10th नंबर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड HNO3, HNO3 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया है, कौन सा लिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। जब इथाइलिन ग्लाइकोल का हमने ऑक्सीडेशन किया, ये सिंबल होता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन किया तो हम जानते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हरदम हमें कार्बोक्सिलिक नहीं, पहले एल्कोहल का रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन करने पर हमें हरदम एल्डिहाइड मिलता है, तो CHO ये एल्डिहाइड हो गया। जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन किया हमें एल्डिहाइड मिल गया ए। अब हमने फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमारे पास जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो इधर चले जाओ तो इधर से ऑक्सीडेशन हुआ, इसका इसका होगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और अगर इसका इस वाले OH का होगा तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए, CHO तो पहले से था और ये भी CHO बन गया। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ और नीचे CHO ग्रुप है, या फिर ऊपर से भी हम ला सकते थे, मतलब ये एक तरह से चेन दी हुई, या तो यहाँ से यहाँ से यहाँ चले जाओ या फिर यहाँ से आओ यहाँ से जाओ यहाँ से यहाँ जाओ, मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी ये बात याद रखो कि ये ना एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना तो वो एल्डिहाइड बनाता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये देखो इसका हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर बचा वापस ऑक्सीडेशन करना तो अब इसका ही होगा, तो ये पहले नीचे OS था फिर इसने एल्डिहाइड बनाया, फिर इसका फर्दर किया तो इस ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नेक्स्ट है 11th नंबर रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसके अंदर डाइहाइड्रिक एल्कोहल को हम रिएक्शन रिएक्ट करवाएंगे लेड टेट्रा एसिटेट या फिर पर आयोडिक एसिड के साथ। लेड टेट्रा एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO4PB और पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला होता है HIO4। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये कंपाउंड बना लेगा, ये एल्डिहाइड बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 12 डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया, जब इसको हमने एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, जैसे वो निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं इनॉल। इनॉल का मतलब होता है EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, तो ये इनॉल ग्रुप हो गया। फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट्स होगा तो ये एक है ना एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इथेनल है तो इसने एल्डिहाइड बना लिया। अब नेक्स्ट इसमें भी डिहाइड्रेशन दो तीन रिएक्शंस हैं तो अगली रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें हमने लिया डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया, इसको जब है ना AG के साथ रिएक्शन कराया एट 737 केल्विन पे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, तो यहाँ से देखो H और OH हट गया, तो ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, इसे बोलते हैं इपॉक्साइड, इपॉक्साइड लिंकेज, ये इपॉक्साइड है, ये आगे चैप्टर्स में आएगा। फिर देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 की बात करें तो ये देखो CH2 CH2 OH OH डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, इन्होंने चेन के रूप में मतलब लंबे चेन के रूप में हेड टू हेड किया, तो इसमें से यहाँ से OH हटा यहाँ से H हटा और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ और इन्होंने एक है ना चेन टाइप है ना बना लिया। तो ये देखो आप जैसे OH तो था ही, फिर CH2 था ही, पहले CH2 था ही, यहाँ से H हटा था तो O CH2 CH2 OH, तो इसको बोलते हैं डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अंदर ही 4th रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है बस थोड़ा सा फ़र्क है, क्या है उस वाले में हेड टू हेड निकला था वाटर मॉलिक्यूल, इसमें दो है ना बगल में मतलब एक यूं पड़ा था मॉलिक्यूल एक यूं पड़ा था, तो यहाँ से एलिमिनेशन हुआ, इसमें से OH और इसमें से H और इसमें से H और इसमें से OH ऐसे निकला वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये एक ऐसा कंपाउंड बना लेगा, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2-डाई
ऑक्सीजन 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 इथाइलिन ग्लाइकोल 1.4 डाई ऑक्सीजन। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है पिनेकोल एंड पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। व्हेन टू ओएच ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन टू विसनल कार्बन एटम इन अ कंपाउंड इज नॉन एज पिनेकोल। द सिंपलेस्ट पिनेकोल आर एज फॉलो। ये पिनेकोल है, दो जब है ना ओएच ग्रुप है ना पिनेकोल मतलब विसनल कार्बन पे लगे रहते हैं ना तो उसे बोलते हैं पिनेकोल। ये कार्बन पे लगे हुए हैं तो इसका नाम है, जैसे ये सिंपलेस्ट पिनेकोल का एग्जाम्पल है, इसका नेम होता है 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2.3 डाई ऑल। आगे देखते हैं क्या है पिनेकोल के बारे में कह रहा है। इट रीअरेंज इनटू द पिनेकोलॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। दिस रीअरेंजमेंट इज नॉन एज पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये जो अपना पिनेकोल था ना, ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में पिनेकोलॉन बना लेता है। ये पिनेकोलॉन होता है जिसमें एक OH हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया, ये होता है पिनेकोलॉन। तो इसका नाम हो जाएगा 3.3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल ब्यूटेन ऑन पिनेकोलॉन है ये। इसका मैकेनिज्म की देख लेते हैं कि पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म क्या है। तो स्टेप नंबर वन में हमने अपना पिनेकोल लिया हुआ है, इस पर है ना जैसे ही है ना डाइल्यूट H2SO4 का H+ है ना अटैक करता है तो वो H+ ने ना इस ऑक्सीजन OH पे अटैक किया क्योंकि इसके पास लोन पेयर पड़ा है और ये H+ है तो इसने इस यहाँ जाके बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अस्थाई होते मतलब तो इसने ना वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर दिया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टेप नंबर टू की बात करते हैं तो इसमें ब्रिजिड कार्बोनियम आयन बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे CH3 है ना तो ये इसके साथ एक बॉन्ड लिंकेज बनाना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से बॉन्ड लिंकेज टूटना स्टार्ट कर देगा मतलब पार्शियल बॉन्ड होगा। तो इसका भी उस पर जैसे इसने बनाया तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डेल पॉजिटिव हो गया, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तीन प्लेसेस पे। फिर अगले स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, ये जैसे ही है ना यहाँ पे चार्ज हुआ था अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये फिर यहाँ से मूव करके इस साइड चला जाएगा। जैसे ये बॉन्ड बना लेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ के तो ये वाला CH3 पॉजिटिव था ना ये इसके साथ अटैच हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज पहले इस वाले कार्बन पे था, अब वो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होके इस वाले कार्बन पे आ गया। अब जैसे कि होता है कि ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर पड़े हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर कभी यहाँ बॉन्ड बना लेगा कभी यहाँ पे आके जैसे ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये कई बार बॉन्ड बनाता है मतलब एक रेजोनेंस की स्टेट आ जाएगी कि ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर पड़े यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना सही नहीं होता मतलब एज अ ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देता तो ऑक्सीजन अपना है ना पॉजिटिव चार्ज को H+ के रूप में निकाल देगी। तो ये फोर्थ स्टेप होता है जिसके अंदर है ना जो हमारा ये कंपाउंड बनाता है थर्ड स्टेप ने रेजोनेंस के टाइम तो उसमें से H पॉजिटिव निकाल देने के बाद ये कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं पिनेकोलॉन। तो गाइज एल्कोहल पार्ट 4 डाइहाइड्रिक एल्कोहल ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो। गाइज एल्कोहल पार्ट 5th और 6th भी आएगा, उसके अंदर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल थोड़ा छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कर दिया। सो हमारे से कॉन्टैक्ट में रहें, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो। थैंक यू।